नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला। अभी जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतजार था, यूपीएसआई का आंसर की रिलीज हो गया है, रिवाइज्ड वाला। इंतजार यूपीएसआई के आंसर की का नहीं था, हालांकि यूपीएसआई के रिजल्ट का था। और मैं आपको बता दूं कि आज शाम को 7 से 8 बजे के बीच में या फिर कल तक आपका यूपीएसआई का रिजल्ट आ रहा है। तो सभी लोग अपना अपना एडमिट कार्ड, अपना अपना रोल नंबर निकाल के रख लो, फिर से रोल नंबर की लिस्ट ही आएगी। कोई मार्क्स वगैरह यहाँ पे शो नहीं किया जाएगा, मैं आपको बता दूं, ताकि जितने लोग डीवी पीएसटी में जितने बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, लगभग 20,000 बच्चे, ठीक है, लगभग 2.5 गुना यहाँ पे बोलेंगे, 22,000 समथिंग की लिस्ट आएगी। आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, शाम तक आएगी, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। जो चीज़ें हमें प्राप्त है जानकारी, वो आपके सामने लेके आ रहे हैं। हालांकि आप अगर देखो तो यहाँ पे जो इससे पहले भर्ती, इसमें पहले जो एग्जाम हुआ है यूपीएसआई के 95,334 पद के लिए, टोटल आपका 12-11 से लेके 12 तक आपका जो एग्जाम हुआ है, उसमें विभिन्न पालियों में टोटल 105 प्रश्न जो है वो गलत पाए गए हैं, जिनमें से 46 प्रश्न जो है वो भर्ती बोर्ड द्वारा क्या कर दिया गया है, नेग्लेक्ट कर दिया गया है। मतलब कि इसका मार्क्स सभी को मिलेगा, इसका मार्क्स उनके जो एक विज्ञप्ति में दिया हुआ था पॉइंट, उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। इक्वली नंबर नहीं मिलता, वो एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग मिलता है, क्योंकि संख्या यहाँ पे ज्यादा है। लेकिन एक बात समझिएगा कि हर शिफ्ट में अगर देखा जाए, डिवीजन तो हर शिफ्ट में एक या दो ही क्वेश्चन बढ़े, ऐसा नहीं है कि किसी एक ही शिफ्ट में 46 क्वेश्चन को निरस्त कर दिया गया है, वरना तो पूरा का पूरा पेपर बेकार हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ है, अलग अलग शिफ्टों में, अलग अलग दिन में, अलग अलग पालियों में जो क्वेश्चन गलत या पाए गए हैं, जो निरस्त किए गए हैं, उनके मार्क्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग होते हैं, लेकिन कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मान के चलिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट सबके बीच में होगा वो मार्क्स उस पाली में। और 59 ऐसे क्वेश्चन हैं जो क्या किए गए हैं, जिनका आंसर की बदला गया है, और वो सारे क्वेश्चन ये विभिन्न जो आपका पीडीएफ है उसमें देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है। ये अलग बात है कि भर्ती बोर्ड ये नहीं बताता है किस शिफ्ट में है, तो आप क्वेश्चन देखोगे तो अपने अपने शिफ्ट में याद आ जाएगा, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, जैसा कि यूपीएसआई का कट ऑफ बहुत हाई गया है, क्या यूपीएसआई का भी कट ऑफ हाई जाएगा? तो देखिए, कट ऑफ के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक बात निश्चित है कि कट ऑफ थोड़ा तो प्रेडिक्शन से हाई यूपीएसआई का भी जा रहा है। मैं पहले से बता दे रहा हूं, बाद में हल्ला मत करिएगा आप लोग, जैसे यूपीएसआई में हुआ है सिमिलरली यूपीएसआई सिविल 95,334 पद में भी हो रहा है। लेकिन फिर भी एकदम ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं कि बहुत हाई ही जाएगा, जो प्रेडिक्शन था लगभग उसी के आसपास ही रहेगा। तो ये आपके लिए खुशखबरी है कि अपना अपना रोल नंबर निकाल के रख लो। फिर मिलेंगे हम लोग तमाम जानकारी के साथ कि डीवीपीएसटी में क्या जरूरत है, रनिंग के लिए क्या चाहिए, सारी जानकारी के साथ आपके सामने होंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि ये सारी जानकारी आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का।